Hello, welcome to my new vlog. I hope you all are good. So guys, अभी तो वासु भैया दिन भर से लेट के लिटरली बहुत पड़ रहा था. अभी हम लोग का मेरा बाल बढ़ गया. अभी हम लोग बाल कटवाने जाएंगे और वीडियो को लास्ट तक बढ़ते रहना, बने रहना, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा कोल्ड वो घूमने जाना है. सो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. सो गाइस, वेलकम कर ही दिए हैं सर्दी, तो अभी व्लॉग को वेलकम क्या करूं. हाँ, सो गाइस, मतलब इस हफ्ते घूमने निकलना है, तो जैसे कि सबको मालूम चली गया, मैं सोचा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दिया, तो चलो कोई बात नहीं, बता दिया तो वो तो आप अपनी फैमिली के, तो चलो. हाँ, तो अभी सुबह से लिटरली नहाया नहीं है और सुबह से नाश्ता कर लिया, अभी इसका बाल कटवाने जाना है. क्योंकि आज संडे है तो सब सैलून में पूरा भीड़ रहता है. तो एक सैलून है जहाँ से मैं कटिंग कराया था, अच्छा नया खुला है, तो उसी का कटवा देंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, उसके यहाँ इसका कटिंग हो जाएगा. तो चलते हैं थोड़े दिन में. और हाँ, आज अपनी धन्नो रानी को हम लोग सर्विसिंग में देख के आए फाइनली. बहुत दिन बाद सर्विसिंग हुआ, मतलब लिटरली बहुत दिन बाद. सुबह गए थे, मैं पापा सुबह देख के आ गया. अभी 4 बजे उसको भी लाने जाना है, तो ला लेंगे. कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस थोड़ा सर्विसिंग कराना जरूरी है, सर्विसिंग हो जाएगा. हाँ, तो अपना गेम तो सर जी खेल रहे हैं. खेलो सर जी, मैं पढ़ता हूँ. फाइनली आ चुके हम लोग घर. सुबह का बाल कटा के 3 बजे गए, 4 बजे लिटरली 3 से भी पहले गए थे, मतलब 1 घंटा लग गया. तो हमने एक दुकान में गए, तो फिर आधा घंटा बैठे, फिर बोलता है कि बाद में कटाना. फिर हम लोग दूसरे यहाँ गए, फटाफट से कटाए, कि बार बार कौन एक ही काम करेगा. तो मस्त से इसका बाल पूरा छोटे छोटे करा दिया. अभी जाना भी है तब तो बढ़ जाएगा, तो क्या पता बढ़ेगा कि नहीं, मतलब बढ़ जाएगा. और इसका पूरा वेशभूषा अलग हो चुका है, बाल कटवा के एकदम पूरा अलग हो चुका. बाल कटाने के बाद हर कोई का वेशभूषा बदल जाता है. मेरे को तो अपना चेहरा नहीं देखता 3-4 दिन. तो फिलहाल के लिए ना, मतलब गया था, अचानक एक फ़ोन आया, वो बोला कि प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो कल प्रोजेक्ट देना है और 10 टॉपिक के ऊपर लिखना है. मेरे को पेज लेता है और एकदम बैठने लिखने बैठ रहा हूँ मैं, कि मेरे को बहुत जरूरी है मार्क्स के लिए, तो बैठना पड़ेगा. इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, चलो अभी बोलने का भी टाइम नहीं, चलो मैं लिखने जा रहा हूँ. सो गाइस, सर्विसिंग से फोन आया था कि गाड़ी हो चुका है 4 बजे, तो गाड़ी लेने चलते हैं होंडा. तो चलते हैं, जल्दी से लेके आते हैं गाड़ी, देखते हैं सर्विसिंग टूटा हुआ है. चलो चलते हैं, चलो सुबह तू भी चलेगा. चल बस. फाइनली अपनी धन्नो रानी चमचमाते हुए खड़ी है, तो फटाफट से ले चलते इसको डिलीवरी ले लेते हैं. चलो चलें. सो गाइस, फाइनली अपना प्रोजेक्ट हो चुका कंप्लीट. तो कुछ इतना सारा लिखा, 7 बज चुका गाइस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, मतलब 3 घंटा लग गया लिटरली. अभी बचा ही हुआ है फ्रंट पेज प्रिंट करवाना है, प्लस डेकोरेशन भी करना है, और इंट्रोडक्शन बहुत कम है, तो इसको तो और पूरा पेज भरना है, बस हो जाएगा. ज़्यादा तामझाम मुझे पसंद नहीं है, तो जल्दी से कर देता हूँ मैं बस. और फाइनली अपना गाड़ी की सर्विस हो गया, अच्छा चल रहा है, मैं चेक कर लिया, तो ठीक है सर्विस करा लिए. क्या है, बहुत जरूरी रहता है गाड़ी को, पिछले साल लिए थे गाइस, मतलब नवंबर में, तो ये सर्विसिंग रहता है ना शुरुआत का, तो जरूरी रहता है, तो करा दिए. सो गाइस, मतलब कि ना आज ना 8 बजे निकला अपने प्रोजेक्ट के काम से, 9 बजे घर आए, मतलब इतना लेट हो गया ये निकलवाने में, क्योंकि क्या है कुछ दिक्कत हो गया था कंप्यूटर में. और फिलहाल के लिए बस आज के लोग बस इतने रखते हुए थक गया, और एडिटिंग करना कल सुबह स्कूल है. और फिलहाल खाना ना खाते हैं, मस्त गर्म गर्म रोटी और भुजिया बस खा के सो रहा हूँ, और नहीं एडिटिंग भी करना कैसे सो. हाँ, तो बस आज के लोग बस नहीं, ब्लॉग पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तब तक जाएगी ब्लॉग में, गुड नाइट एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हाँ, और ये भी आ गई वापिस घर, कैसा लग रहा है?